ग्यारह बजकर 10 मिनट हो चुके हैं। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम सुन रहे हैं आप रंग तरंग। आपके साथ मैं विकास, स्वागत एक बार फिर। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं, जुदाइयों तो मुकद्दर हैं फिर भी जाने सफर, जुदाइयां तो मुकद्दर है फिर भी जाने सफर, कुछ और दूर जरा साथ चल के देखते हैं, तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता, ये बार बार जो आंखों को मल के देखते हैं। अहमद फराज ने किसी के दिल की तड़प को, बेचैनी को इतने खूबसूरत अंदाज में कहा है। खासकर इस एहसास को तब जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जब आप किसी अपने से काफी लंबे अरसे के बाद मिल रहे हों और आपकी आंखों को उसके होने का यकीन हो रहा हो। आ,
चांद भी देखा था। तेरा हुस्न है जैसा, तेरा हुस्न है जैसा, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, किसका चेहरा किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर मेरी आँखों चुना है तुमको दुनिया देख कर।
गुड़िया हंसती खेलती रहती, कहानियाँ सुनकर खुश हुआ करती, पड़ोस वाले भैया के साथ खूब मस्ती किया करती, टॉफी और खिलौनों से उनकी लाडली बनकर रहा करती। लेकिन खेल मस्ती में वो शैतान इच्छाओं को पूरा किया करता, मेरी गुड़िया को गलत तरीके से स्पर्श किया करता। समय रहते संभाला अपनी बेटी को, जब रोते रोते दुख बताया उसने मुझको, सबक सिखाना था उस शैतान को, तब किया दिल्ली पुलिस के हवाले उसको। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार अवैध एवं दंडनीय है। ऐसे कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि #, बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाए, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना राह, कोई दास्तां सुनाएगी, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे याद कुछ दिलाएगी, हथेलियों की ना
याद कुछ दिलाएगी, करोगे याद तो दरवाजा। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। यही शाख तुम जिसके नीचे किसी के लिए चश्मे नम हो, यहां आपसे कुछ साल पहले मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली थी जिसे मैंने आगोश में लेके पूछा था, बेटी यहां क्यों खड़ी रो रही हो? मुझे अपने बोसीदा आंचल में फूलों के गहने दिखाकर वो कहने लगी, मेरा साथी उधर, उसने उंगली उठाकर बताया, उधर उस तरफ ही जिधर ऊंचे महलों के गुंबद, मिलों की स्याह चिमनियां आसमां की तरफ सर उठाए खड़ी हैं, ये कहकर गया है कि मैं सोने चांदी के गहने तेरे वास्ते लेने जाता हूं रामी। कुछ लोग किसी बदलते मौसम की तरह होते हैं, कभी कभी लौट आते हैं और कभी कभी बस खूबसूरत सी रिश्तों की खुशबू पीछे छोड़कर चले जाते हैं। यही जिंदगी है और यही इसका छोटा सा फलसफा। गुलों उदास है यारों सबा
से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम चल रहा है रंग तरंग, और रंग तरंग के इस सफर में मैं आपके साथ विकास। किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूं अभी। हाँ
दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है ना कि बहुत से लोगों को अपनों से दूर रहना पड़ा। मैं जानता हूं हम में से बहुत से लोग वो मंजर अभी भी नहीं भूले होंगे। कई दिनों और महीनों तक आमने सामने की वो मुलाकातें, मुस्कुराहटें, तमाम तरह की बातें वीडियो कॉल्स में तब्दील हो गई थी। कुछ लोग बात कर पाए और कुछ लोग, या कहूं कि कुछ लोगों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ इंतजार आया। इफ्तिखार हैदर एक जगह लिखते हैं और बहुत ही सटीक लिखते हैं। लिखते हैं कि बोसा न दे, गले न लगा, हाथ मत मिला। बोसा न दे, गले न लगा, हाथ मत मिला। ए यार खुश जमाल, मगर सामने तो आ। दो चार गज के फासले से मुस्कुरा के देख, दो चार गज के फासले से मुस्कुरा के देख, दो चार गज के फासले तक आके लौट जा, दो चार गज के फासले तक आके लौट जा।
हमारे नहीं तो क्या हम है। तुम हमारे नहीं तो क्या हम है। हम तुम्हारे तो है ये क्या हम है। तुम हमारे नहीं तो क्या हम है। हम तुम्हारे तो है ये क्या कम है। हुस्न की शोखियां जरा देखो। हुस्न की शोखियां जरा देखो। हुस्न की शोखियां जरा देखो। गाहे शोला है गाहे शबनम है। तुम हमारे नहीं तो क्या हम है। हम तुम्हारे तो है ये क्या हम है। मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए। मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए। मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए। शम महफिल में रोशनी कम है। तुम हमारे नहीं तो क्या हम है। हम तुम्हारे तो है ये क्या कम है। बन गया है ये जिंदगी अब तो। बन गया है ये जिंदगी अब तो। बन गया है ये जिंदगी अब तो। तुझसे बढ़कर हमें तेरा गम है। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। हम तुम्हारे तो है ये क्या गम।
जगजीत सिंह की मखमली आवाज, जिस आवाज को हम हर रात इसी प्रोग्राम में कभी न कभी सुनते ही हैं, यानी कि प्रोग्राम रंग तरंग में, जहां पर के गजलों और नज्मों की बात होती है, आप तक प्यारे प्यारे से गीत लाने की बात होती है। बहुत से दोस्तों के संदेश भी पहुंचते हैं, लेकिन बहुत बार हम उन संदेशों को शामिल नहीं कर पाते, लेकिन प्यार देखिए आपका कि लगातार वो बरसाते रहते हैं। इफ्तिखार हैदर साहब का ही एक शेर किसी ने लिख के भेजा है, असल में उसके ही तीन चार मिसरे भेजे हैं। लिखते हैं कि दोनों आंखों में भर लिया जाए, दोनों आंखों में भर लिया जाए, हुस्न महफूज कर लिया जाए, शहर उम्मीद कितना दिलकश है, आओ कुछ देर ठहर के देख लिया जाए, कैसा सरसब्ज है तुम्हारा साथ, कैसा सरसब्ज है तुम्हारा साथ, इसको तस्वीर कर लिया जाए। रौनक ने ये संदेश हमें लिखा है, बहुत शुक्रिया रौनक इन शब्दों को हम तक पहुंचाने के लिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ही का अपना पसंदीदा प्रोग्राम रंग तरंग चल रहा है, और आपके साथ इस सफर में मैं विकास कुछ और लम्हों तक, क्योंकि स्टूडियो में मेरे जाने का वक्त घड़ी बता रही है, हो चुका है। इस वादे के साथ कि आपसे अगली दफा जल्द मुलाकात होगी, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।